हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कनाडाज एक्शन आर इन वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन, सेज जयशंकर जी। तो इन्होंने बोला है कि कनाडा के जो भी एक्शन है वो वियना कन्वेंशन के वायलेशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कनाडा है कहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये एशिया है, ये अपना अफ्रीका, ये यूरोप, ये अटलांटिक ओशन आ गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये नॉर्थ अमेरिका है ऊपर में, नीचे में साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया और ऊपर में नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कैनेडा। तो ये कैनेडा का लोकेशन है, ठीक है। अब चलिए एक बार कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं हम लोग कैनेडा के लोकेशन के रिस्पेक्ट में। ये अपना कैनेडा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है। ये कौन सा साइड है कनाडा का? ये कनाडा का वेस्ट साइड है, ये कनाडा का ईस्ट साइड है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। यहाँ पे कनाडा का बॉर्डर कौन है? अलास्का। किसका है ये? यूनाइटेड स्टेट्स का। नीचे में यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आप इधर में देखिए ग्रीनलैंड। कनाडा का कैपिटल क्या है? आप देखिए ओटावा, ये कनाडा का कैपिटल है। यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो ये हमने देख लिया। ऊपर नहीं, ऊपर आप देखिए आर्टिक सी ही होगा। तो हमने देख लिया इसका पूरा लोकेशन क्या है क्या नहीं है, कनाडा के चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये हुडसन बे आप याद रखिए, और भी डिटेलिंग में यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, वो हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें आर्टिकल देखना है। चलिए, कनाडाज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इंडियन डिप्लोमेट्स चैलेंजेस द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन संडे, मिस्टर जयशंकर्स रिमार्क एट एन इवेंट हेयर केम टू डे आफ्टर कनाडा विथड्रू 41 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया एंड पॉज्ड वॉक इन सर्विसेज एट इट्स कॉन्सुलेट्स इन मुंबई, बेंगलुरु एंड चंडीगढ़, अफेक्टिंग कैनेडियन वीज़ा फैसिलिटी फॉर इंडियंस। तो यहाँ पे कैनेडा ये अपना हरकत कर रहा है, आप देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विड्रॉवल ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर आप देखिए जॉली हैज़ एक्यूज न्यू दिल्ली ऑफ वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन, अ यूनिलेटरल रिवोकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इन कॉन्ट्रेरी टू इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेट रिलेशन। सी सेड ऑन अक्टूबर 19, हर रिमार्क्स वर फॉलोड बाय द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, हु एक्यूज इंडिया ऑफ वायलेटिंग अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी। पहली बात तो ये जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ़ इंसान ये इंडिया को कर रहा है बेकार। कुछ भी भाई, इन लोगों की बात ही मत सुना करो, ये वोट बैंक के लिए कुछ भी करते हैं, किसी के भी तलवे चाटते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन ना भी रखना ठीक ही होता है। इंडियन मिशंस इन कनाडा स्टॉप ड्यूरिंग वीजाज इन सितंबर, बट मिस्टर जयशंकर सेड दैट इंडिया वुड लाइक टू रिज्यूम वीजा सर्विसेज इफ द वर्किंग कंडीशंस ऑफ आवर इंडियन डिप्लोमेट्स इम्प्रूव्ड इन कनाडा। माई होप माई एक्सपेक्टेशन इज दैट द सिचुएशन वुड इम्प्रूव इन द सेंस दैट आवर पीपल वुड हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन बींग एबल टू डू देयर बेसिक ड्यूटी एज डिप्लोमेट्स, बिकॉज इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द वियना कन्वेंशन। तो हमें इतना तो इस चीज़ से पता चल गया, वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात हुई है। चलिए, एंड राइट नाउ, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया? एंड राइट नाउ that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe, Mr. Jaishankar said. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas, he added. Safety though, visa ke issue hum resume karenge, simple si baat. He was speaking at the Kautilya Economic Conclave here. ठीक है अब भाई, कौटिल्य जी का हमने इंटरनेशनल रिलेशन जानते ही हम लोग। कौटिल्य आपके चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, मौर्य डायनेस्टी इन्होंने बनाई थी। किसको इन्होंने टॉपल आउट की करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य से नंदास को, ठीक है। और उसका लास्ट किंग कौन था? धनानंद।
चलिए आगे देखते हैं। एन इन्फॉर्म सोर्स ऑफ द हिंदू दैट इंडिया वॉज रिव्यूइंग द सिक्योरिटी सिचुएशन दैट लेड टू सस्पेंशन ऑफ द वीज़ा सर्विसेज, कैनेडाज पोजिशन ड्रू सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एंड द यूके, स्टेटमेंट फ्रॉम द यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ऑन फ्राइडे सेड दैट इंडियाज मूव इम्पैक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द वियना कन्वेंशन, वाइल द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द कंट्रीज रिक्वायर डिप्लोमेट ऑन द ग्राउंड इन इंडिया। तो भाई डिप्लोमेट मिलो और सेट करो, ये आपका बोल रहा है कौन, यूएस का वो, और आपके ब्रिटेन वाले क्या बोले, इंडिया ने वायलेट किया, कुछ वायलेट नहीं किया है, हरकत अपनी सही करो तुम लोग। अब देखते हैं ये सेम आर्टिकल थोड़ा डिटेल में वियना कन्वेंशन को समझाते हुए हमारे पास आया है इंडियन एक्सप्रेस में, देखते क्या है। एमिड, एमिड मतलब बीच में, एमिड द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, जो इंडिया कनाडा के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बीच में, ठीक है। कैनेडियन गवर्नमेंट लास्ट वीक अनाउंस दैट इट हैड रिकॉल 41 डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया। कैनेडाज फॉरेन मिनिस्टर मिलेनी जॉली सेड दिस वॉज बिकॉज देर इन डेंजर ऑफ हैविंग इम्यूनिटी स्ट्रिप्ड ऑन एन आर्बिटरी डेट एंड डेट वुड हैव पुट देयर पर्सनल सेफ्टी एट रिस्क। अर्लियर दिस मंथ इंडिया हैड सॉट पैरिटी विथ कैनेडा आस्किंग इट टू डाउन साइज इट्स डिप्लोमेट स्टाफ हेयर। इंडिया हैज़ अबाउट 20 डिप्लोमेट्स इन कैनेडा एंड सेड देयर शुड बी अ सिमिलर नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट इन इंडिया एज वेल। तो इंडिया ने साफ बोला है कि यहाँ पे जितने कैनेडियन डिप्लोमेट है उतने इंडिया में, मतलब एक नंबर इक्वालिटी रखो आप लोग साफ। द यू एस एंड यू के हैव बैक कैनेडियन डिप्लोमेट प्रेजेंस, तो इन्होंने कैनेडियन डिप्लोमेट्स के प्रेजेंस को बैक किया। फर्दर दे स्पोक ऑफ द वियना कन्वेंशन, अब देखिए वियना कन्वेंशन की बात हो रही है, ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन विच हैज़ ऑल्सो बीन मैंशनड बाय द मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर एस जयशंकर, जो एस जयशंकर जी में उन्होंने भी मैंशन किया है। वॉट हैज़ इंडिया सेड, इंडिया ने ऐसा क्या बोला है। इंडिया रिजेक्टेड जॉलीज कंटेंशन वेयर शी सेड दैट द यूनिलेटरल रिवोकेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक प्रिवलेजेस एंड इम्यूनिटी इज कॉन्ट्रेररी टू इट्स इंटरनेशनल लॉ। यूनिलेटरल मतलब इंडिया ने अपने आप अपने मर्जी से ये चीज़ स्टेप लिया, तो उन्होंने बोला ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। एंड द वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, कौन सा है वो, आप वियना कन्वेंशन। इन अ प्रेस रिलीज द एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड द स्टेट ऑफ आवर बायलेटरल रिलेशन एंड मच हायर नंबर ऑफ गांधियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया, अरे गांधियन कह रहा हूँ, कैनेडियन डिप्लोमेट्स इन इंडिया एंड देयर कंटिन्यूड इंटरफेरेंस इन आर इंटरनल अफेयर वॉरेंट अ पैरिटी इन म्यूचुअल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली एंड ओटावा। तो वहाँ पे साफ इन्होंने बोला अगर यहाँ पे 20 है तो वहाँ भी 20 होने चाहिए, क्योंकि भाई ये तो हमारे इंटरनल मैटर में पड़ रहे हैं जो हमें सही लग नहीं रहा है। ओटावा उनका कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया। इट एडेड आर एक्शंस इम्प्लीमेंटिंग दिस पैरिटी आर फुल्ली कंसिस्टेंट विद आर्टिकल 11.1 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इन्होंने बताया जो हम कर रहे हैं वो हमारे आर्टिकल 11.1 से वियना कन्वेंशन में जो है उसके बिल्कुल साथ है, कहीं पे कोई हम लोग अपोज नहीं कर रहे वियना कन्वेंशन को। जब इतनी वियना कन्वेंशन की बात हो रही है तो वॉट इज वियना कन्वेंशन देखते हैं। द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, तो ये बात हो रही है 1961 की। यूनाइटेड नेशन ट्रीटी हैज सेट सम कॉमन प्रिंसिपल एंड टर्म्स ऑन हाउ कंट्रीज मस्ट ट्रीट ईच अदर्स डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रेंडली रिलेशन एंड मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन कंट्रीज। अब जैसे कि मानिए इधर कोई डिप्लोमेट है, ये इसको ए मान लेते हैं, इधर कोई डिप्लोमेट है, ये एक्स कंट्री में है, ये वाई कंट्री में है। तो मानिए इधर जो डिप्लोमेट है इनको इन्होंने पकड़ लिया, इनके साथ रिप्रेशन कर रहे हैं, इनको जेल में डाल दिया, खाना पीना बंद कर दिया, तो जो बातचीत करके एक्स और वाई के बीच के रिलेशन ठीक हो सकते थे वो अब नहीं होंगे, वो और ख़राब होंगे। जब इनके डिप्लोमेट के साथ हो रहे हैं तो ये भी वही करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आएगा कि भाई आँख के बदले आँख मांगोगे तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, और जो चैनल रहेगा बातचीत करने का वो प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वियना कन्वेंशन 1961 आया है। आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ सच प्रिंसिपल इज दैट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है।
It's the privilege of exemption from certain laws and tax granted to diplomats by the country in which they are posted. तो कुछ लॉ और कुछ टैक्स डिप्लोमेट्स के ऊपर लागू नहीं होंगे. इट वॉज फ्रेम्ड सो दैट डिप्लोमेट्स कुड फंक्शन विदाउट फियर थ्रेट और इंटीमिडेशन फ्रॉम द होस्ट कंट्री. तो मतलब यहाँ पे जैसे ए था तो वाई के डर से, वाई कुछ कर देगा उसके डर से काम ना करे, वो इंडिपेंडेंटली काम करे. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज फ्लोज फ्रॉम टू कन्वेंशन पॉपुलरली कॉल द वियना कन्वेंशन 1961 एंड द कन्वेंशन 1961 कन्वेंशन एंड द कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963. तो दो इसमें है, एक तो वियना है ठीक है, और ये 1961 का है और एक कॉन्सुलर है ठीक है, ये 1963 का है. तो ये दो कन्वेंशन है जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है. इन 1961 कन्वेंशन सेड आर्टिकल 29 अ पर्सन फ्रॉम Diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with the due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, on his person, freedom or dignity. तो यहाँ पे साफ बात है, अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं, जैसे ये चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मानिए यहाँ पे दो कंट्री है एक्स और वाई, यहाँ पे एक डिप्लोमेट है ए का, यहाँ पे एक है, मतलब ए का मतलब ये वाई के डिप्लोमेट है और ये आपके एक्स के डिप्लोमेट है. तो आप देखिए अगर ए यहाँ पे कोई क्राइम कर देता है तो क्या इसको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, इसको साफ बोला जाएगा वाई को कि भाई आप ले जाओ और फिर यहाँ पे इसको पनिशमेंट दी जाएगी. एक्स कंट्री इसके ऊपर कोई अरेस्ट डिटेंशन ये सब नहीं कर सकता, यहाँ पे साफ लिखा है. आप देखिए He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his personal freedom, dignity. तो उसके किसी भी चीज के ऊपर अटैक नहीं होगा. Today, 193 countries have ratified the convention, meaning they agree to agree it should be legally binding on them. तो ये था इस आर्टिकल में. अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहले हमने देखा एक वियना कन्वेंशन ठीक है, ये कब का है आप बताइए? ये है 1961 का और एक है कॉन्सुलेट है, चेक कर लेते हैं एक बार. अब देखिए क्या है ये वाला आपका कॉन्सुलर रिलेशन और कन्वेंशन, ये है 1963 का. इन दो के हेल्प से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आप देखिए इम्यूनिटी दी जाती है किसको? डिप्लोमेट्स को जो दूसरे कंट्री में, क्या अरेस्ट नहीं हो सकते ठीक है, डिटेंशन नहीं हो सकते, आपका फ्रीडम हमेशा रहेगा, आपकी डिग्निटी हमेशा रहेगी. यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि भाई आप अच्छे से ट्रीट करो. और ये क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स, कम्युनिकेशनल चैनल्स हमेशा खुले रहे. सम कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन ये कॉमन प्रिंसिपल है सबके लिए है. एंड टर्म्स ऑन हाउ कंट्री मस्ट ट्रीट, कैसे ट्रीट करें डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के, समझे कि कैसे एक दूसरे के, अगर ए और वाई, ए और बी कंट्री है तो वो आपस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रीट कैसे करें, ये इसका जो कॉमन प्रिंसिपल है वही डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है. वही आपके वियना कन्वेंशन 1 में और कॉन्सुलर रिलेशन कन्वेंशन 2 में आपका दिया गया है, ताकि फ्रेंडली रिलेशन बने रहे और प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल चले. कई बार मिस कम्युनिकेशन हो जाता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट वॉर ना हो जाए, आप आपस में बात करें, बैठे चीज़ों को सुलझाए, समझाए और उसको अवॉइड करें, वापस से फ्रेंडली रिलेशन पर आ पाए. बस इसमें इतना ही है. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.